Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss nervous system and sensory receptors in reptiles. सबसे पहले हम बात करेंगे reptile के brain की. अब आपको मालूम होना चाहिए कि reptile का brain जो है वो किस से derive है? Amphibian के brain से, ठीक है? लेकिन इसका size ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि ये जो हैं ये amphibian से modified animals हैं, ठीक है? अब ब्रेन ऑफ रेप्टाइल जो है ये किससे सिमिलर है? ब्रेन ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स से, यानी जो बाकी वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे ह्यूमन हैं, जैसे फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, जैसे हम बात करते हैं बर्ड्स की, तो जो रेप्टाइल्स का ब्रेन है वो इन सब से सिमिलर है, ठीक है? और बेसिकली ड्राइव किससे हुआ है? एम्फीबियन के ब्रेन से. लेकिन इसमें जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स हैं वो लार्ज हैं. अब इस लार्ज साइज़ को हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि चूँकि सेरिब्रल स्फीयर्स बेसिकली लिंक्ड हैं सेंस ऑफ स्मेल के साथ, तो जो रेप्टाइल्स हैं उनकी सेंस ऑफ स्मेल ज़्यादा वेल डिवेलप होती है एज़ कम्पेयर टू एम्फीबियंस. उसके बाद अगर हम बात करें जो ऑप्टिक लोब्स हैं और सेरिबेलम हैं, उनका साइज़ भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेप्टाइल्स. तो ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कि जो विजन है रेप्टाइल्स का, ठीक है, और जो मसल फंक्शंस की कोऑर्डिनेशन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एम्फीबियंस. यानी ये अपने जो फंक्शंस हैं वो इजीली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ठीक है? यानी अगर कह लें कि मसल्स ने जैसे काम करना है ना कोऑर्डिनेशन से, तो इनकी कोऑर्डिनेशन बेटर होगी एज़ कम्पेयर टू एम्फीबियंस. और इसके साथ साथ इनके सेंस ऑफ विजन और सेंस ऑफ स्मेल जो है वो भी बेटर होगी एज़ कम्पेयर टू एम्फीबियंस. अच्छा, अब हमारे पास एक एग्ज़ैम्पल है यहाँ पे, जिससे हमें हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो रेप्टाइल्स हैं उनका जो ब्रेन है वो किस कदर कम्प्लेक्स है. तो वो कम्प्लेक्सिटी की हमारे पास एग्ज़ैम्पल किसकी है? कैमेलियंस मेथड ऑफ फीडिंग. इससे पहले आपने कैमेलियन का नाम कहाँ पे सुना? जब हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे, हमने कहा था कि कैमेलियन जो है वो अपनी लेंथ से ज़्यादा एक्सटेंड कर सकती है अपनी टंग को. क्यों एक्सटेंड कर सकती है वो इतना? इसलिए एक्सटेंड कर सकती है ताकि वो अपने प्रे को पकड़ सके, ठीक है? अब इसकी आइज़ जो है ना वो प्रोट्रूडिंग होती हैं, यानी बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये इसकी दो आइज़ हैं, ठीक है? अब एक का व्यू डिफरेंट होगा, दूसरी का व्यू डिफरेंट होगा. जैसे ही कहीं पे प्रे नज़र आया, दोनों का व्यू सेम हो जाएगा प्रे पे. अब जब व्यू दोनों आइज़ का सेम होगा तो क्या होगा कि डेप्थ परसेप्शन मिल जाएगी. यानी क्या इनको पता चलेगा कि प्रे हमारी रेंज में है भी कि नहीं? अगर रेंज में होगा तो ये अपनी टांग जो है उसकी लेंथ को एक्सीड करके तो जो इंसेक्ट है या जो भी प्रे है उसको पकड़ लेंगे, अगर नहीं होगा तो उसको इग्नोर कर देंगी. सो कैमेलियंस मेथड ऑफ फीडिंग जो है ना वो बताता है हमें कि रेप्टाइल्स का जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है. ये देखें, ये बेसिकली इसकी टांग है, ठीक है, जिसको इसने एक्सटेंड किया हुआ है प्रे को कैप्चर करने के लिए. अच्छा, अब हमने बात करनी है सेंस ऑफ विजन पे. विजन के बारे में हमने थोड़ी सी बात पहले कर ली कि इनका जो विजन है वो वेल डेवलप होता है एज़ कम्पेयर टू एम्फीबियंस, ठीक है? और लेकिन इनका जो आई स्ट्रक्चर होता है ना वो किसी हद तक सिमिलर होता है, लेकिन उसमें कॉन्स वगैरह ज़्यादा होती हैं. अच्छा, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्नैक की. स्नैक जो है ना वो फोकस कैसे करता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्नैक के नज़दीक है ना, ये फॉर एग्ज़ाम्पल स्नैक है और ये ऑब्जेक्ट है, तो स्नैक क्या करेगा कि लेंस को आगे की तरफ मूव करके उन पर फोकस करेगा. सो स्नैक ने नियर बाय ऑब्जेक्ट्स पे कैसे फोकस करना है? लेंस को आगे की तरफ मूव करके, बाय मूविंग द लेंस फॉरवर्ड. अच्छा, अब लेंस फॉरवर्ड कैसे मूव करता है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ठीक है, आई का पोस्टीरियर साइड है ये, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल ये पोस्टीरियर साइड है आई की, यहाँ पर एक जेल लाइक मटीरियल प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? जेल लाइक मटेरियल प्रेजेंट है पोस्टीरियर रीजन ऑफ आई में. जब इस जेल की डिस्प्लेसमेंट होगी, यानी ये जेल अपनी जगह से हिलेगी, तो जो आयरस है ना वो क्या करेगा, ठीक है? आयरस जो है, जेल हिलेगी कैसे, ये क्वेश्चन आता है ना माइंड में कि अपनी जगह से डिस्प्लेस कैसे होगी. आयरस के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो जेल पर प्रेशर डालेंगे, तो जेल जो है वो अपनी जगह से मूव कर जाएगी. और जब जेल मूव करेगी अपनी जगह से तो क्या होगा, लेंस जो हैं वो आगे की तरफ मूव करेंगे. सो स्नैक जो हैं वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स पे कैसे फोकस करते हैं? बाय मूविंग द लेंस फॉरवर्ड.
ठीक है, इस चीज़ की समझ आ गई कि स्नेक जो है वो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स पे कैसे फोकस करता है, बाय मूविंग द लेंस फॉरवर्ड। और लेंस फॉरवर्ड कैसे मूव होता है कि जो आयरस है उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसके मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आई के पोस्टीरियर रीजन में विट्रस बॉडी है, ठीक है, उस पर वो प्रेशर डालेंगे और जेल जो है वहाँ पर उसमें डिस्प्लेस हो जाएगी, जेल जो है उधर, और लेंस जो है वो आगे की तरफ मूव कर जाएंगे। अच्छा, अब हमने बात पहले किसकी की, सिर्फ स्नेक की। अब हमने बात करनी है बाकी रेप्टाइल्स की। बाकी रेप्टाइल्स नियर बाय ऑब्जेक्ट्स पे कैसे फोकस करते हैं? एलिप्टिकल लेंस होता है ना, फॉर एग्जांपल ऐसा लेंस कह लें, एलिप्टिकल लेंस होता है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करते हैं स्फेरिकल लेंस में। अब ये एलिप्टिकल की स्फेरिकल में कन्वर्जन कैसे होगी, इसमें भी मसल्स इन्वॉल्व हैं। मसीलरी मसल्स इसमें इन्वॉल्व हैं, वो क्या करते हैं, प्रेस कर देते हैं सीलरी बॉडी को और लेंस की शेप जो है वो चेंज हो जाती है। इसके बाद हमने एक और बात की थी कि रेप्टाइल्स में जो कॉन्स हैं वो ज़्यादा होती हैं देन डेट ऑफ एम्फीबियंस, सो इनका जो कलर विजन है वो ज़्यादा डिवेलप है। अच्छा, अब हमने ना वो स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं जो कि आई को प्रोटेक्ट करते हैं या क्लीन करते हैं। फर्स्ट वन है अपर एंड लोअर आईलिड्स। पहला क्या है, अपर एंड लोअर आईलिड्स। सेकेंड वन इज़ निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन एंड द थर्ड वन इज़ ब्लड साइनस। इन तीनों का काम क्या है, ये वो स्ट्रक्चर हैं जो आई को प्रोटेक्ट करते हैं और उसकी सरफेस को क्लीन करते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे स्नेक्स की और कुछ लिजर्ड्स की। इनमें क्या होता है, जो अपर और लोअर आईलिड होते हैं ना वो फ्यूज़ हो जाते हैं ऐसे, और क्या बना देते हैं, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्टैकल। स्पेक्टैकल, स्पेक्टैकल क्या होता है स्नेक में, स्पेक्टैकल, स्पेक्टैकल बेसिकली क्या है, स्पेक्टैकल ये है कि जो अपर और लोअर आईलिड्स होते हैं वो फ्यूज़ होके क्या बनाते हैं, क्लियर स्किन बना देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्टैकल। अच्छा, अब जो आउटर लेयर जो होती है ना स्पेक्टैकल की, जब एक डाइसिस होती है तो वो क्लाउडेड हो जाती है और स्नेक्स को नज़र कम आता है जब एक डाइसिस होती है, ठीक है। पहले हमने किसकी बात की थी, अपर एंड लोअर आईलिड्स की, वो फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, स्पेक्टैकल स्नेक्स में। अब हमने बात करनी है ब्लड साइनस की। ब्लड साइनस क्या है, ये बेसिकली स्ट्रक्चर है कहाँ पर, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन की बेस पे। अच्छा, अब ये क्या करता है, ये स्वेल हो जाता है ब्लड के साथ। स्वेल होके क्या करेगा, जितना भी डेब्रस होगा ना आई के कॉर्नर में, वो डेब्रस को बाहर निकालेगा स्वेल होके। और कुछ ऐसी लिजर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं कि अपनी उनकी आंखों से खून निकलता है, कैसे निकलता है, वो ब्लड साइनस को रैप्चर कर देती हैं, ठीक है, जैसे ही कोई प्रेडेटर आता है वो ब्लड साइनस को रैप्चर कर देती हैं और उनकी आई से खून निकलना शुरू हो जाता है। अभी हम इसकी पिक्चर देखते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास एग्जांपल है ब्लड रिलीज होने की। ब्लड साइनस को इस लीजर ने रैप्चर कर दिया और ऐसा लग रहा है कि इसकी आंखों से खून निकल रहा है, तो प्रेडेटर जो है वो इस चीज़ से डर जाता है और परे भाग जाता है इसको छोड़ के। सो ये ब्लड साइनस को जो रैप्चर करने वाला काम है ना, ये बेसिकली डिफेंसिव मैकेनिज्म है। अच्छा, अब कुछ ऐसे रेप्टाइल्स होते हैं जिनमें एक मीडियन आई होती है। मीडियन आई क्या होता है, यानी दो नॉर्मल आइज़ है ना, इसके अलावा एक और आँख होती है इन रेप्टाइल्स की। वो डिवेलप कैसे होती है, आउट ग्रोथ ऑफ रूफ ऑफ द फोर ब्रेन, यानी फोर ब्रेन का जो रूफ है उसकी एक आउट ग्रोथ से एक आई डिवेलप हो जाती है। ये देखें, ये जो है बेसिकली मीडियन आई है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें कॉर्निया भी है, लेंस भी है, ल्यूमन, रेटिना और सेंसरी न्यूरॉन्स। टोटारा की बात करें तो इसमें ये आई है जिसमें लेंस है, नर्व है और रेटिना है। टोटारा में क्या है, मीडियन आई में लेंस, नर्व एंड रेटिना। बाकी रेप्टाइल्स की बात करें ना, तो उनमें ये जो मीडियन आई है ये इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, बल्कि बेसिकली कवर होती है स्किन से और उसमें इमेज वगैरह नहीं बन सकता, वैसे ही एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कह लें प्रेजेंट होता है, लेकिन इमेज नहीं बन सकता। इसके बावजूद वो लाइट और डार्क पीरियड में डिफ्रेंसिएशन में काम आती है और सन की तरफ ओरिएंटेशन में। ठीक हो गया, मीडियन पेराइटल आई बेसिकली क्या होता है, कैसे डेवलप होती है,
कि फोर ब्रेन जो है उसके रूफ की आउटग्रोथ से डेवलप होती है मीडियन पेराइटल आई, और टोटारा में ये वेल डेवलप होती है, इमेज बनाती है, लेंस होता है, नर्व होती है, रेटिना होता है, ठीक है, लेंस, नर्व एंड रेटिना। बाकी रेप्टाइल्स में ये इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती, बल्कि उनमें क्या होता है कि ये कवर होती है स्किन से और इमेज नहीं बना सकती। अच्छा, लेकिन काम क्या करती है बाकी रेप्टाइल्स में, जब इमेज नहीं बन सकता तो क्या काम करती है, ये जो है डिफ्रेंशिएट कर सकती है लाइट और डार्क पीरियड्स को, ठीक है, और सन की तरफ ओरिएंटेशन में इन्वॉल्व होती है। तो ये था हमारा पार्ट वन, नर्वस एंड सेंसरी सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स। इसके बाद हम इंशाल्लाह इनके सेंस ऑफ हेयरिंग पे बात करेंगे और इसके साथ साथ सेंस ऑफ स्मेल पे पार्ट टू में।